हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केके कॉमर्स अकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। 12th अकाउंट्स की मैराथन 50 डेज के बैच, इसमें आज आ चुका है डे नंबर 33 और हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट सीरीज, सीरीज नंबर 6। बच्चों, नॉर्मली हम ट्राई करते हैं कि जितना हमने कमिट किया है उससे ही ज्यादा आपको दे। वैसे 50 डेज मैंने कमिट किया था, 50 डेज का सिलेबस डेफिनेटली 40 डेज के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। ओके, और जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एक्सपेक्टेड है 50 डेज, डोंट वरी, मैं आपका पूरा टाइम लूंगा और आपको इतना नॉलेज देने का डेफिनेटली ट्राई रहेगा कि आप अकाउंट्स में 100 से 100 ला सको। ओके, ऐसे बहुत पार्ट है जब जहां पे हमने अकाउंट्स अब तक टच नहीं किया, हमसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड पढ़ रहे हैं, लेकिन अकाउंट्स में ऑब्जेक्टिव भी है, ट्रू और फॉल्स भी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी है और बहुत कुछ है जो हम देखने वाले चुन चुन के, डोंट वरी। ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं सीरीज नंबर 6 की। मतलब आपका अगर टेक्स्ट बुक देखो तो डेफिनेटली उसका चैप्टर नंबर आई थिंक 11 है उसका, ठीक है। तो बच्चों, मैं जो सीरीज सेट कर रहा हूँ, मैं मेरे हिसाब से सेट कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 8 है, सॉरी, कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर। अब हम बात कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स, ये है क्या एग्जैक्टली, ठीक है। पहले तो आपको समझा दूं कि ये फ्लो कैसे होता है, सब हम डिटेल में पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, और आज हम क्या क्या करने वाले हैं, पहले तो इंट्रोडक्शन, मतलब पहली बार तो टॉपिक समझ लेंगे कि एग्जैक्टली इसमें है क्या। एक बार ये समझ गया कि टॉप कंटेंट क्या 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 है, मतलब इशू ऑफ शेयर्स होता क्या है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो रहेगा बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन हम जो पढ़ने वाले हैं वो मार्च 2020 एज यूजुअल लेटेस्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, सो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट, लेकिन आपको पता है सर, पहले कुछ मोटिवेशन हो जाए। यस स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है, इफ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू, दे आर टू स्मॉल। अगर आपके सपने ऐसे हैं कि जिससे आपको डर नहीं लगता, जिससे आपको एनर्जी नहीं मिलती, जिससे आपको मोटिवेशन नहीं मिलता, जिससे आपको किक नहीं मिलती, जिससे आप सुबह उठ नहीं पाते, जिससे आप काम ज्यादा नहीं कर पाते, तो समझ लो सपने बहुत छोटे। अगर आपने सोच लिया कि छोटी सी लाइफ चाहिए, सुखी सी लाइफ चाहिए, बस हम दो, हमारे दो इसी में बीत जाएंगी जिंदगी, तो इतने छोटे सपने हैं तो भाई काम कैसे बड़ा करोगे। सपने बड़े रखो तो काम बड़ा होगा। वन ऑफ द ऑथर सेज, टू सी अ स्मॉल ड्रीम, टू इमेजिन अ स्मॉल ड्रीम इज द बिगेस्ट क्राइम। तो आप जितना छोटा सपना देखते हो वो आप बड़ा क्राइम कर रहे हो खुद के साथ, खुद के कैपेबिलिटीज के साथ, क्योंकि हम छोटा सपना देख के छोटा ट्राई करते हैं और हम सोच लेते हैं कि हम इतना ही कर सकते हैं यार, ज्यादा क्यों करें, ज्यादा झंझट क्यों करें, जितना होगा अपने से उतना ही करेंगे, लेकिन हम ज्यादा करने का कभी ट्राई नहीं करते। ओके, तो बच्चों बड़े बड़े सपने देखो। यस सर, कल से हम सुबह 10 बजे उठेंगे, बड़ा सपना देख कर आ रहे। नहीं नहीं, इतने बड़े मत देखो कि सुबह 10 बज जाए, ऐसे सपने देखो कि सुबह 5 बजे आँख खुल जाए बिना अलार्म के। ओके, तो नाउ दिस इज द टाइम टू सी द ड्रीम्स, एंड नाउ डेफिनेटली दिस टाइम विल कम वेन यू विल से ड्रीम्स कम ट्रू, राइट, वो भी टाइम आएगा, लेकिन ड्रीम्स देखने के साथ साथ ड्रीम्स अचीव करने की मेहनत भी साथ में रखो। ओके, तो बच्चों फिलहाल सीरीज नंबर 6 ये हमारा ड्रीम है, तो करते हैं स्टार्ट सीरीज नंबर 6 जिसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स। ओके, इश्यू ऑफ शेयर्स ये है क्या एग्जैक्टली। देखो बच्चों, अगर हम बात करें प्रोप्राइटर की, प्रोप्राइटर बोले तो सोल प्रोप्राइटर जिसको बोलते हैं कि सिंगल ओनर, ठीक है, या फिर उसके बाद आता है पार्टनरशिप फर्म। सिंगल ओनर का बिजनेस हमने लास्ट ईयर देख लिया 11th में, ठीक है, उसके बाद हमने सीखा पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म इस साल है 12th में, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट वगैरह, जिसमें दो या उससे ज्यादा पार्टनर आते हैं, ठीक है, दो पार्टनर और तीसरा अगर बीच में ऐड हो गया तो जैसे एडमिशन बोलते हैं, गया तो डेथ या फिर रिटायरमेंट, और अगर बिजनेस बंद हो गया तो डिसोल्यूशन। ये तो बहुत सिलेबस का पार्ट है, हमने देख लिया, लेकिन हम बात कर रहे हैं हजारों चेहरों की, हजारों चेहरे, लाखों चेहरे, जब इतने पर्सन मिलके बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसे बिजनेस किया जाए। पार्टनरशिप फर्म, बच्चों मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में, बोलो जल्दी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, यस एग्जैक्टली 50 मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं, 50 मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। बच्चों कहीं ना कहीं लिमिटेशन है भाई, बिजनेस कितना बढ़ा सकोगे, 50 के आगे आप बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन अगर हमने ठान लिया है कि हम बिजनेस अनलिमिटेड ग्रोथ करनी है तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, कंपनी। कंपनी में भी टाइप है प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। बेसिकली इनमें फर्क क्या है,
वैसे तो डिफरेंसेस के मल्टीपल पॉइंट है, लेकिन मैं एक ही पॉइंट बता रहा हूं कि प्राइवेट कंपनी में वो पैसे ले सकते हैं सिर्फ प्राइवेट लोगों से, इन द सेंस नोन पर्सन से, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। तो ऐसे जो मेरे नोन पर्सन है ना, मैं उनको बोल सकता हूँ कि आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करोगे यार, थोड़ा थोड़ा करना यार, यार 50,000 करना है, तू 1,00,000 करना है इन्वेस्ट। तो मैं किसको बोल रहा हूँ, जो मेरे नोन पर्सन से। तो ये हो सकता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। ओके एक्सक्यूज मी, ये बात थी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। लेकिन हम बात करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। पब्लिक लिमिटेड में क्या फर्क है, मतलब पब्लिक प्राइवेट तो देख लिया हमने, लेकिन पब्लिक में क्या है। पब्लिक लिमिटेड का सबसे बड़ा फीचर ये है कि वो पब्लिक से पैसे ले सकते हैं। पब्लिक मतलब जनरल पब्लिक, एनीवन कैन इन्वेस्ट इन कंपनी। ओके, मान लो मैंने कंपनी स्टार्ट कर दी, कंपनी का नाम है केके लिमिटेड, नॉट पीवीटी, प्राइवेट लिमिटेड नहीं बोल रहा हूँ मैं, केके लिमिटेड। अगर नाम के आगे सिर्फ लिमिटेड लगाए तो समझ जाओ वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ओके, और प्राइवेट लिमिटेड होगा तो ऐसे लिखा होता है क्लियरली, प्राइवेट लिमिटेड है। अब मैंने सोच लिया, ठान लिया, अब अभी अभी आपने बोला सर सपने देखने हैं तो बड़े देखो, राइट। तो बड़े सपने के लिए मैंने ठान लिया कि हमें केके लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करनी है। अब जैसे मुझे पैसे रेज करने, मतलब फंड की रिक्वायरमेंट है कंपनी में, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ऑफकोर्स बैंक से वगैरह लोन ले सकते हो, तो पूरी दुनिया ले सकती है, वो तो नॉर्मल है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन जब बात आती है शेयर्स की या फिर पब्लिक की, मतलब पब्लिक से पैसा लेना है, तो उसमें ऑप्शन होता है कि कंपनी शेयर्स इशू करेगी पब्लिक को। ओके, सर शेयर्स इशू करेगी मतलब एग्जैक्टली होगा क्या, देखो थोड़ा एसपी का भी पार्ट आ रहा है बच्चों इसमें, इशू ऑफ शेयर्स रिलेटेड। देखो कंपनी क्या करती है, प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। प्रॉस्पेक्टस मतलब क्या, प्रॉस्पेक्टस मतलब इनविटेशन कार्ड। जैसे शादी के लिए इनविटेशन कार्ड होता है ना, आप सब शादी में पधारिए, तो वैसे ये इनविटेशन कार्ड है कि आप सब हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। तो हमारे कंपनी के शेयर्स बाय करके हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, तो ये रिक्वेस्ट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, इसे बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस, इट इज इन्विटेशन कार्ड। ओके, तो इन्विटेशन कार्ड मतलब है क्या, ओवरऑल जनरल पब्लिक किसी को भी ऑल ओवर इंडिया में, फॉर एग्जांपल जो भी पर्सन चाहता है, जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, यस भाई तू आ और मेरे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगला सवाल यह है उसका कि मैं कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, राइट। मैंने बोला तुझे शेयर्स मिलेगा, वो बोला भाई शेयर क्या होता है। मैंने बोला भाई पूरा जो सब लोग इन्वेस्ट करेंगे ना, सबको थोड़ा थोड़ा शेयर मिलेगा, शेयर मतलब पार्ट, हिस्सा, राइट। सो तुझे उसके बदले में एक शेयर सर्टिफिकेट भी दूंगा मैं, शेयर सर्टिफिकेट जो फिजिकल रहा। तो आज के डेट में तो शेयर सर्टिफिकेट एक कंसेप्ट नहीं रही, मतलब फिजिकल ही नहीं रहा ना, डीमैट दैट इज डीमटेरियलाइजेशन हो चुका है, तो मटेरियल निकल गया है, तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, कंपनी ने पब्लिक को इन्वाइट किया, तो पब्लिक से पैसा लिया जाएगा उनके, उसके बदले में उनको क्या दिया जाएगा। ऑब्वियसली लोग पूछेंगे ना भाई मुझे क्या मिलेगा, तो उनको बताया कि आपको केके लिमिटेड डिविडेंड देगा। ओके, शेयर्स के बदले आपको डिविडेंड मिलेगा। तो उन्होंने पूछ लिया भाई ये डिविडेंड क्या है। मैंने बोला अरे यार कंपनी जितना पैसा कमाएगी ना साल भर में, जो प्रॉफिट कमाएगी ना, प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसे बोलते हैं डिविडेंड। मतलब कैसा है, फॉर एग्जांपल हम चार लोग हैं, चार लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट किया, 4,00,000 प्रॉफिट हो तो सब लोग 1,00,000 बांट लेंगे, 1,00,000 पर पर्सन, राइट। वैसे ही कंपनी में होगा, लेकिन कंपनी का फंड हजारों लोगों से बना हुआ होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल 500 करोड़ इतना प्रॉफिट हुआ और उस लोग उस कंपनी में 5,000 लोगों की इन्वेस्टमेंट है। ओके, मतलब इन्होंने शेयर्स लिए हुए, तो जो भी प्रॉफिट है वो 5,000 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब जितने इन्वेस्टर्स है, जितने शेयर होल्डर्स है, उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, उससे बोलेंगे डिविडेंड। चलो मान गए कुछ लोगों ने शेयर्स वगैरह ले लिए। अब शेयर्स लेने के लिए जो प्रॉस्पेक्टस दिया जाता है, जो प्रॉस्पेक्टस मतलब पब्लिक को इन्वाइट किया जाता है, इन्वाइट करते टाइम हमें नहीं पता कितने एग्जैक्टली लोग आएंगे, शादी में भी होता है ना, इनविटेशन कार्ड तो दिया है लेकिन पता नहीं सामने वाला आएगा या नहीं आएगा। सब लोग बोलते रहे हाँ हम भी आएंगे पूरे परिवार के साथ आएंगे, लेकिन शादी में कितने लोग दिखेंगे वो तो अनप्रेडिक्टेबल है, राइट। इवन केटरर्स को भी बोल के रखते हैं ना हम, भाई 300 लोगों का है, लेकिन शायद उसको भी पता है 300 बोला है तो 350 हो सकते हैं, राइट। तो वैसे ही कंपनी के केस में भी हो सकता है। अगर इनवाइट किया है जनरल पब्लिक को, इनवाइट किया है सबको, तो कितने एप्लीकेशन, कितने लोग इंटरेस्टेड रहेंगे वो हम नहीं बता सकते, राइट। तो हमने क्या किया, कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया, ठीक है। अब ये प्रॉस्पेक्टस जो इशू किया,
प्रोस्पेक्टस, उसके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म मतलब क्या, देखो वो जो प्रोस्पेक्टस है उसमें कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स वगैरह लिखी रहेगी, तो आप क्या करो कंपनी की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ लो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको लगा कि कंपनी अच्छी है तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करो, ठीक है, वो फिलअप करके पैसे दे दो बैंकर के पास। मैंने बोला अब ये बैंकर क्या होता है, तो दे सेड कि एबीसी केके लिमिटेड है ना, दिल्ली बेस्ड कंपनी है, दिल्ली में है, ठीक है। तो अब पूरे इंडिया के लोग क्या दिल्ली में जाएंगे पैसा देने के लिए? ऑफ कोर्स नॉट। तो केके लिमिटेड ने क्या किया, एचडीएफसी बैंक को अपॉइंट कर दिया उनका बैंकर। मतलब क्या भाई, इंडिया के कोई भी एचडीएफसी बैंक में जाओ और वहां पे जाके पैसे डिपॉजिट करो, वो पैसे हमें मिल जाएंगे, डोंट वरी। सर बैंक में जाना पड़ेगा, आज के डेट में वो भी ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है, लेकिन हमें कंपलसरी बैंक को अपॉइंट करना पड़ता है जिससे बोलते हैं बैंकर, और बैंकर के साथ बैंकर के पास वो लिखा हुआ एप्लीकेशन, वो जो एप्लीकेशन है कि मुझे इतने इतने शेयर्स बाय करने, एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसे दिए जाते हैं बैंकर को, उसे बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी। ओके, देखो होता ऐसा है कि सेबी ने बोला हुआ है कि आपने जितने शेयर्स इशू किए, कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए, कम से कम 90% शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब करने चाहिए, मतलब लेने चाहिए, अगर नहीं लिए तो सबके सब पैसे वापस कर दो। ओके, मतलब मैं अगर 1,00,000 शेयर इशू कर रहा हूं तो मिनिमम 90,000 लोगों ने बाय करने चाहिए, सब्सक्राइब करने चाहिए, नहीं तो सबके पैसे वापस करने पड़ेंगे। इसलिए कंपनी अंडरराइटर वगैरह अपॉइंट करती है, ठीक है। अंडरराइटर मतलब वो लोग गारंटी लेते हैं कि हम शेयर इशू करवा देंगे। नाउ द पॉइंट इज, जब हमने इन्वाइट किया लोगों को शेयर्स के लिए, उनको भी कंफर्म नहीं पता कि उनको शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि एप्लीकेशन कितने आते हैं, कम आएंगे ज्यादा आएंगे, उनका नंबर बाद में आएगा, उनको शेयर्स मिल सकेगा या नहीं किसी को भी नहीं पता। इसलिए वो एप्लीकेशन के साथ पूरे पैसे नहीं देते, कुछ पार्ट अमाउंट देते, मतलब मान लो 100 रुपीज का अगर शेयर है तो सिर्फ 30 रुपीज उन्होंने दिया एप्लीकेशन के साथ, इसे बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। ओके, उसके बाद सबके सब एप्लीकेशन मनी कलेक्ट कर लेंगी बैंक, और सब एप्लीकेशन जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, वो भी कलेक्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद देखा जाता है कि एग्जैक्टली एप्लीकेशन है कितने, हमें कितने शेयर्स देने हैं, और वो सबसे अलर्ट किए जाते हैं। अलर्ट मतलब क्या, जिस पर्सन ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसको एक्चुअल में शेयर्स देना, दैट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। और जिस दिन कंफर्म शेयर्स दिया जाता है, अलॉटमेंट किया जाता है, उसी दिन पब्लिक को एक लेटर लिखा जाता है। पब्लिक को मतलब जिन्होंने शेयर्स अप्लाई किया था ना, उनको लेटर लिखा जाता है। एक तो रिग्रेट लेटर, रिग्रेट बोले तो भाई हम आपको शेयर्स नहीं दे सके, आपने अप्लाई किया था लेकिन आपको शेयर्स नहीं दे सके, दैट इज रिग्रेट लेटर। ओके, और अगर सामने वाले ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और हमने उनको शेयर्स दिए है तो उसे बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर। तो उनको अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा, और अलॉटमेंट लेटर के साथ कुछ पैसे और मंगवाए जाएंगे शेयर्स के, उसे बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। मान लो 100 रुपीज का शेयर था, 30 रुपीज तो एप्लीकेशन के साथ आ गए थे ना, और हमने 30 रुपीज मंगवा लिए अलॉटमेंट के साथ, ठीक है, इसे बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। उसके बाद कंपनी को जैसे जैसे फंड की रिक्वायरमेंट रहेगी, वैसे वैसे कंपनी पैसे कॉल करेगी। कॉल करेगी मतलब डिमांड करेगी कि पैसे लेके आओ। कॉल मतलब ऐसा नहीं उठाना है मेरे भाई, उनको तो लेटर लिखना पड़ता है। ओके, तो कॉल करना मतलब डिमांड करना। तो जो पैसे जैसे जैसे कंपनी को रिक्वायरमेंट रहेगी, टाइम टू टाइम कंपनी उनसे मंगवा लेगी, उसे बोलते हैं कॉल मनी। फर्स्ट टाइम कॉल किया, फर्स्ट कॉल मनी। सेकंड टाइम किया, सेकंड कॉल मनी। थर्ड टाइम किया, थर्ड कॉल मनी। तो जितने कॉल करोगे उसको कॉल मनी बोलेंगे, और जो फाइनल वाला मतलब लास्ट वाला अमाउंट पूरा मंगवा लेंगे हम शेयर्स का, तो उसे बोलते हैं फाइनल कॉल। ओके, तो इसके बाद सब होते हैं कॉल मनी। इट डिपेंड्स ऑन कंपनीज रिक्वायरमेंट, कंपनी की रिक्वायरमेंट कितनी है वो इस सबसे डिपेंड है कि कॉल मनी कितना रहेगा। ठीक है, ये सब तो ठीक है सर, ये आप एसपी का समझा रहे थे, ये तो समझ गए, लेकिन अब अकाउंट्स का बताओ हमें एग्जैक्टली एग्जाम में आएगा क्या, करना क्या पड़ेगा। बच्चों हमें अकाउंटिंग करना है किसका, कंपनी का। कौन सी कंपनी, जो कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। तो पहले तो एप्लीकेशन कितने आए, उनको शेयर्स कितने दिए, और कुछ पैसे रिफंड किए, या फिर अगर उन्होंने पैसे टाइम टू टाइम नहीं दिए, फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी कोई हो सकता है इन्वेस्टर कि उसने जब शेयर्स के लिए अप्लाई किया तब उसके पास पैसे थे तो उसने एप्लीकेशन मनी दे दिया, अगर वो एप्लीकेशन मनी नहीं देता तो उसको शेयर्स मिल ही नहीं सकता। देखो बच्चों एप्लीकेशन जरूरी है, बिना एप्लीकेशन के किसी को शेयर्स नहीं दिया जा सकता। ओके, इसलिए एप्लीकेशन देना जरूरी है। तो एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन के साथ पैसा भी दे दिया। बाद में सपोज अलॉटमेंट का मनी आपने कॉल किया और सामने वाले के पास पैसे नहीं थे, तो अलॉटमेंट के पैसे मिले ही नहीं, तो आपने बोला भाई तेरे शेयर्स में जब तक कर लूंगा शेयर्स वापस नहीं मिलेंगे, तो ये शेयर्स कंपनी के हो जाएंगे हमेशा के लिए, उससे बोलते हैं फॉरफिट ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ओके,
या इवन कॉल मनी का भी सोचे, कॉल मनी में सेम, सपोज हमने कॉल किए पैसे लेकिन सामने वाला पैसा नहीं दे सका, और पैसा नहीं दे सकने की वजह से जो शेयर थे वो जब्त कर लिए कंपनी ने, हमेशा के लिए एक्वायर कर लिए कि ये पैसे भाई ये शेयर आप वापिस कंपनी के हो गए, इसे बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर, ठीक है। और जो शेयर जब्त कर लिए वो वापिस भी इश्यू कर किए जा सकते हैं। तो ये सब कुछ कंपनी अकाउंट्स के बारे में है, लेकिन कंपनी अकाउंट्स में जो इशू ऑफ शेयर है हमें क्या क्या करना पड़ेगा। बेसिकली कंपनी शेयर इशू करेगी, कुछ पैसा एप्लीकेशन पे आएगा, कुछ अलॉटमेंट पे और कुछ कॉल पे, ठीक है। अगर पैसे नहीं आए तो अकॉर्डिंगली वैसे भी अकाउंटिंग करना पड़ेगा, और शेयर अगर जब्त कर लिया हमने तो फॉरफीचर की एंट्री भी हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। और री इशू अगर वही शेयर री इशू किए तो उसकी भी एंट्री आएगी। तो नॉर्मली 7-8 एंट्री तो भी आती है, और ये जो पूरा टॉपिक है पूरा जर्नल बेस्ड है, जर्नल एंट्रीज ही पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। यस तो बच्चों करें आज का सेशन स्टार्ट। यस करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। अब तक जो मैंने आपको स्टोरी बताई है तो शेयर्स से रिलेटेड ये सिर्फ स्टोरी हुई, लेकिन अब फिगर्स की बात करते हैं। अक्षत कंपनी लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओके, तो यहां पे मुझे ये समझ गया कि अक्षत कंपनी जो है वो 10,000 शेयर्स इशू कर रही है, ₹10 का एक शेयर से, ठीक है। पेएबल एज फॉलोज, अब ₹10 कैसे पेएबल रहेंगे, 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल के 3 और सेकंड कॉल के 1, देख लो टोटल हो रही 10। यस टोटल 10 हो रही है, 10 का शेयर 10 को दिया, इसी का मतलब इसे बोलते हैं शेयर इशूड एट पार। ओके, अगर शेयर्स ₹10 का होके भी 12 पे इशू किया, मतलब फेस वैल्यू जो है शेयर्स की उससे भी ज्यादा पैसे लिए, तो उसे बोलते हैं शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ओके, और अगर हमने जो शेयर्स की फेस वैल्यू है फॉर एग्जांपल ₹10 उससे भी कम प्राइस पे शेयर्स इशू किया तो उसे बोलते हैं शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। ओके, तो लेट्स सी, देखते हैं क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप क्या दिया जाता है। यहां पे तो इतना ही है, 10 का शेयर 10 में इशू किया, मतलब शेयर्स इशूड एट पार। ओके, आगे कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 15,000 इक्विटी शेयर्स, ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 5,000 इक्विटी शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड मनी रिफंडेड। ओके, पहले हमने देखा कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, 10,000, एप्लीकेशन कितने आए 15,000, एंड 5,000 इक्विटी शेयर्स वर रिजेक्टेड, और 5,000 इक्विटी शेयर्स रिजेक्ट हो गए। करना ही पड़ेगा ना, 10,000 से ज्यादा हम शेयर्स दे नहीं सकते। अगर हमने ऑफर ही किया है कि हम 10,000 शेयर्स देने वाले हैं, अरे 100,000 क्यों ना एप्लीकेशन भेज जाए, अब 10,000 से ज्यादा नहीं दे सकते। ओके, तो बाकी लोगों को पैसा रिफंड कर दिया हमने। ऑल द शेयर होल्डर्स पेड अप टू सेकंड कॉल, सेकंड कॉल तक सबने पैसे दिए एक्सेप्ट कविता। अल्लाह, आ गया ट्विस्ट, ये ऐसा कोई ना कोई रहेगा बच्चों, एक नाम दिया जाएगा कि किसने पैसे नहीं दिए और उसने सब गेम किया है, वही से ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट कविता, ऑल एलोटीज ऑफ 1,000 इक्विटी शेयर्स हु फेल टू पे द फाइनल कॉल। ओके, एक सेकंड बच्चों, लेट मी टेक दिस। March 20 का क्वेश्चन, ऑल द शेयर होल्डर्स पेड अप टू सेकंड कॉल एक्सेप्ट कविता द एलोटी ऑफ 1,000 शेयर्स हु फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल। हाँ राइट है, ऑल एलोटीज नहीं चाहिए था यहाँ पे, हु फेल्ड टू पे, ठीक है। चलो, तो कविता नहीं दे सकी सिर्फ जिसके पास 1,000 शेयर है, बाकी सबने पैसे दिए। पास द नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ अक्षत कंपनी लिमिटेड, तो हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। स्टूडेंट्स हो जाओ रेडी, मस्त टॉपिक है, मजा आने वाला है। पहला ही क्वेश्चन है, और हाँ पहले क्वेश्चन से समझने लग जाएगा, लेकिन सेकंड क्वेश्चन से लॉजिक समझने लगेगा आपको कि ऐसा क्यों किया। ओके चलो, पहले हम थोड़े हो जाते बड़े। जय हनुमान। हाँ ओके, अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। हाँ, सबसे पहले बच्चों, हमने प्रोस्पेक्टस देके लोगों को इनवाइट किया। अब जो भी इंटरेस्टेड हो एप्लीकेशन के साथ पैसे देंगे, उसे क्या बोलते हैं हम, एप्लीकेशन मनी, राइट। तो इक्विटी शेयर्स इशू करने ना, इक्विटी शेयर्स क्वेश्चन में नाम भी दिया हुआ है, इक्विटी शेयर्स, कहीं कहीं पे दिया नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकता है, देख लेना ठीक से, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स की बात चल रही है। बच्चों हमें कितने एप्लीकेशन आए, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर
15,000 शेयर्स, मतलब हमारे बैंक में पैसे कितने शेयर्स के लिए आएंगे, 15,000 शेयर्स के लिए, राइट। तो जर्नल एंट्री, जर्नल का फॉर्मेट तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा फॉर्मेट है, डेट का कुछ है नहीं भाई इसमें, सीरियल नंबर। सबसे पहले तो बैंक में आ गए पैसे, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 एप्लीकेशन आए हैं शेयर्स के लिए, ओके। और एप्लीकेशन मनी कितना है, 2 रुपए, तो 15,000 इंटू 2, 30,000 रुपीज हमारे बैंक में आ गए। बैंक इज रिसीवर, ओके, बैंक इज रिसीवर, बैंक में आ गए 30,000 रुपीज आगे। और ये किस नाम से आए बच्चों, पैसे क्यों आए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नाम से, ओके। तो 2 क्रेडिट में आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वो पैसे रिटर्न कर दिए वगैरह वगैरह बात की बात है, लेकिन अभी तो आ गए ना 30,000, तो पूरी एंट्री कर लेंगे। बैंक में आ गए 30,000, क्यों आए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम पे, बिंग 15,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड, 15,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड विथ रुपी 2 ईच, या फिर एट रुपीज 2 ईच, ऐसा भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ओके। सो 15,000 एप्लीकेशन आ गए, 2 रुपए के हिसाब से ऐसे 30,000 रुपए हमारे बैंक में जमा हो गए, ओके। चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या करेंगे, अब जो भी पैसे आया ना बच्चों, उसमें से हमने क्या किया, देखो आगे दिया है, ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड मनी रिफंडेड, तो 5,000 शेयर्स को वालों को तो पैसे रिफंड कर दिए, तो पैसे देना है ना, तो हमारे बैंक से पैसे निकल जाएंगे, राइट। तो बैंक को आ जाएगा क्रेडिट, बैंक को आ जाएगा क्रेडिट, कितने, 5,000 शेयर्स, क्योंकि 10,000 ही दे सकते हैं, तो ऊपर के जो 5,000 शेयर्स है इंटू 2, ये 10,000 रुपीज हम कर देंगे रिफंड, तो बैंक इज गिवर, अवर बैंक इज गिवर, बैंक से गए। तो उसके बाद बच्चों, ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, याद रखो हमेशा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पहले क्रेडिट था, अब वो एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल में, क्यों, अरे पहले सिर्फ एप्लीकेशन आ रहा था, लेकिन अब तो कंफर्म हो गया ना कि हम उनको शेयर्स दे रहे, तो उसको अलॉटमेंट नाम देना पड़ेगा। तो करना क्या है, इक्विटी शेयर को क्रेडिट था ना एप्लीकेशन को, वो खत्म करने के लिए उसको डेबिट दे दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टेन थाउजेंड नहीं, एप्लीकेशन के नाम पे कितने पैसे आए थे, 30,000 ना, तो पूरे के पूरे 30,000, 10,000 तो रिफंड कर दिए, जो 20,000 बचे हैं वो इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों जैसे लोगों से हमने पैसे लिए तो बिजनेस का कैपिटल बढ़ जाएगा ना, कैपिटल अकाउंट। तो 10,000 शेयर से इंटू 2, ये जो 20,000 रुपए है वो इक्विटी शेयर कैपिटल नाम से लिखेंगे, सिंपल सी चीज है, लोगों से अगर पैसे लिया तो कैपिटल बढ़ जाएगा ना, तो कैपिटल को क्रेडिट, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, कैपिटल को तो क्रेडिट ही होता है जब तक कैपिटल बढ़ते जाता है, ओके। बिंग एप्लीकेशन मनी फॉर, या फिर एप्लीकेशन मनी ऑफ, एप्लीकेशन मनी ऑफ 5,000 इक्विटी शेयर्स, एप्लीकेशन मनी ऑफ 5,000 इक्विटी शेयर्स रिफंडेड एंड बैलेंस अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आने वाला है, नॉर्मली 8 लाइन में खत्म हो जाता है, सॉरी 8 एंट्रीज में, मतलब एग्जैक्टली 8 नहीं, लेकिन 9-10 भी हो सकते हैं,
बट फिर भी अगर देखा जाए तो कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब टाइम बहुत कम लगेगा और मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन उसके लिए प्रेजेंटेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो, नरेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज करो, ठीक से लिखो, ठीक है? यस, तो पहले पैसे आ गए एप्लीकेशन के नाम पे, उसके बाद हमने क्या किया, कुछ पैसे रिफंड कर दिए 5,000 शेयर के, और बचे हुए जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। चलो, एप्लीकेशन की होती है 2 एंट्रीज, खत्म हो गया एप्लीकेशन का किस्सा। नेक्स्ट इज अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट के पैसे आएंगे, ओके? अलॉटमेंट के अगर पैसे आएंगे, पहले तो उनको कॉल करना पड़ेगा। देखो बच्चों, एप्लीकेशन के पैसे डायरेक्ट कैसे आ गए थे सर, इनको थोड़ी हमने कॉल किया था, इनको कॉल नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि पैसे देने वाला कौन है, हमने तो जनरल पब्लिक को इन्वाइट करके रखा था, लेकिन अभी हमें पता चल गया ना कौन शेयर होल्डर है, हमने किसको शेयर दिए, तो जिनको शेयर दिए उनसे पैसे हम मंगवाएंगे, कॉल करेंगे, ओके? तो बच्चों, कॉल करने की एंट्री कैसे होती है देख लो। देखो, पैसे तो आने वाले हैं तो कैपिटल बढ़ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, ओके? और हाँ, जिस नाम से मंगवाने हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट के नाम से पैसे मंगवाने हैं ना, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ओके? अब बिंग, अरे बिंग कुछ लिखने के पहले देख तो लो अलॉटमेंट पे कितना पैसा मंगवाया है। यस, 4 रुपये पर शेयर ऑन अलॉटमेंट मिला, देखो ऑन अलॉटमेंट 4 रुपये पर शेयर, और 10,000 शेयर से तो 10,000 शेयर से, अरे ऑफ कोर्स 15,000 आए थे लेकिन 5,000 को तो पैसे वापस कर दिए ना, तो सेकंड 10,000 इक्विटी शेयर्स इंटू रुपी 4, ये हिसाब से 40,000 रुपीज जो है वो हम कॉल करेंगे, मतलब इतने पैसे हमने डिमांड किए, इतने पैसे हमने मंगवाए अलॉटमेंट के नाम पे। बिंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, ओके? आता तो नहीं मैं दिखाया होना रे, पर ड्यू, ठीक है? अभी तो सिर्फ पैसे मंगवाए हुए हैं, ड्यू हुए, अब तक पैसे नहीं आए, देखते आगे क्या हुआ है। इन्होंने क्या बोला हुआ है, ऑल द शेयर होल्डर्स पेड अप टू सेकंड कॉल, तो सेकंड कॉल तक तो पैसे मिले एक्सेप्ट कविता, तो ये कविता का सेकंड कॉल के पैसे नहीं मिले होंगे, अभी तो अलॉटमेंट चल रहा है ना, तो अलॉटमेंट के पैसे मिल गए, कुछ नहीं दिया है इसका मतलब सब पैसे टाइम टू टाइम मिल रहे हैं, ठीक है? तो 4 रुपए के हिसाब से सबके पैसे मिल गए, 10,000 × 4 40,000, सो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, बैंक में पैसे आ गए अलॉटमेंट के। और हाँ, जिस नाम से आए, हु इज गिवर, अलॉटमेंट अकाउंट इज गिवर, ये जो अलॉटमेंट नाम है बच्चों, ये बस टेम्पररी नाम है, पैसे मंगवाने से पैसे आने तक, अलॉटमेंट खत्म, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000, ओके? बिंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट रुपी 4 पर शेयर रिसीव्ड, ओके? चलो भाई, 10,000 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपये तो मिल गए, पहले हमने ड्यू किए फिर पैसे आ गए, ओके? डन। अब इसके बाद क्या होगा, अरे बच्चों मैंने बोला ना, पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है फिर अलॉटमेंट का, और अब फर्स्ट कॉल वाले पैसे मंगवाएंगे हम, पहले कॉल करना पड़ेगा। सिर्फ एप्लीकेशन का ऐसा होता है कि पहले पैसे आ जाते हैं, बाकी हर टाइम पे हमें पहले कॉल करना पड़ता है फिर पैसे मिलते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट कॉल के नाम पे 3 रुपीज मंगवाने हैं हमें, राइट? सो 10,000 × 3 मतलब 30,000 रुपए, तो पैसे मंगवाने हैं, जिस नाम से मंगवाने हैं पहले उसको डेबिट दे दो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अरे बच्चों, पैसे मिलने वाले हैं, नहीं मिले तो क्या हुआ, कैपिटल तो बढ़ा दो, अकाउंट से यही बोलता है ना ऐसे भी, हमारा पैसे जब मिल जाएंगे तब, लेकिन एक्रू तो हो गए ना,
इनकम दिखा तो दो, वही ऐसे यहाँ पे चल रहा है। तो 10,000 शेयर से और 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से 30,000 रुपये हो गए ड्यू, और 30,000 से हमने अपना कैपिटल भी बढ़ा दिया। ओके, बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, जिस भी नाम से हमने पैसे मंगवाए वो हो गया ड्यू, सिंपल। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सिक्स, अब हमने फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाए तो पैसे मिल भी जाएंगे नेक्स्ट एंट्री पैसे मिलने की, लेकिन क्या बोला हुआ है, ऑल शेयर्स हु फेल टू पे द अप टू सेकंड कॉल एक्सेप्ट कविता हु फेल टू पे फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल के पैसे नहीं दे पाई ना, वो फर्स्ट कॉल चल रहा है फिलहाल, तो फर्स्ट कॉल के तो पैसे आ जाएंगे, सबके आ जाएंगे राइट। कविता ने सिर्फ फाइनल कॉल के नहीं दिए, वो तो आगे की बात, लेकिन अभी तो सबके पैसे आ जाएंगे। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में 10,000 शेयर से 3 रुपये कॉल मनी है, फर्स्ट कॉल मनी 30,000 रुपीज, इतने पैसे मिल जाएंगे बैंक अकाउंट को डेबिट, और जिस नाम से मिले उसको क्रेडिट, बिंग फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट ने नरेशन, बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹3 each। तो 10,000 शेयर से 10 रुपये के हिसाब से, सॉरी 3 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपीज हमने कॉल भी किए और पैसे मिल भी गए, फर्स्ट कॉल नॉर्मल जिंदगी। अब हम बात करते हैं फाइनल कॉल की, फाइनल कॉल के पैसे मंगवा लेते हैं। कितने पैसे देखो क्या दिया हुआ है, ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल एक ही बच्चों, लास्ट कॉल जो भी रहता है उसको फाइनल कॉल बोलते हैं, सेकंड है ना है, तो सेकंड एंड फाइनल, अगर थर्ड होता तो थर्ड एंड फाइनल, ठीक है। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल पे ₹1 मंगवाना है, सो 10,000 शेयर्स के इनटू 1 मतलब 10,000 रुपए कॉल करने हैं, तो जिस नाम से कॉल करना है पहले उसको दे दो डेबिट, जिस नाम से कॉल करना है इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल ना, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, अब क्या बढ़ाएंगे, ऑफ कोर्स कैपिटल बढ़ा देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, 10,000 शेयर से इनटू 1 रुपी सर, लेकिन पूरे पैसे नहीं मिले बच्चों, वो तो बाद में सोचना है, मिलने की बात कर ही नहीं रहा, लेकिन पैसे कॉल करते टाइम पैसे मंगवाते टाइम तो पूरे मंगवाएंगे ना हम, 10,000 शेयर इनटू 1 पूरा का पूरा ड्यू हो जाएगा, बिंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल फाइनल कॉल मनी ड्यू, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ड्यू तो हुआ है लेकिन पैसे मिले तो है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये लाइन समझना बहुत जरूरी है। ऑल द शेयर होल्डर्स पेड अप टू सेकेंड कॉल एक्सेप्ट कविता, ओके, एक्सेप्ट कविता एलोटी ऑफ 1,000 इक्विटी शेयर्स हु फेल टू पे फाइनल कॉल। तो बस कविता जो है जिसके पास 1,000 शेयर है वो फाइनल कॉल के पैसे नहीं दे सके, ठीक है। फाइनल कॉल के पैसे 1,000 शेयर से नहीं मिले, मतलब 9,000 शेयर से तो मिल गए राइट। तो नेक्स्ट एंट्री में हमें पैसे आने की बात चल रही है बैंक अकाउंट डेबिट, तो 9,000 शेयर से 10,000 में से 1,000 तो गए, 9,000 शेयर इंटू रुपी 1 मतलब 9,000 रुपीज तो बैंक में आ ही जाएंगे। ओके, और ये 9,000 रुपीज जो आए किस नाम से आए, सेकंड कॉल, जिस नाम से मंगवाए थे उसी नाम से आएंगे ना, तो सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बिंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी
बिंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी, रिसीव्ड ऑन 9,000 इक्विटी शेयर्स एट रुपी 1 ईच. यस, पैसे मिलते टाइम सिर्फ 9,000 शेयर्स पे मिले तो बताना भी जरूरी है कि 9,000 शेयर्स पे एक रुपए के हिसाब से 9,000 रुपए मिले हैं. ओके, 9,000 बैंक में आ गए 9,000 और सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल मनी नाम से सेंड किए हैं. ठीक है, हो गया डन. इसके आगे उन्होंने कुछ दिया नहीं कि वो शेयर्स फॉरफिट कर ले वगैरह, कुछ नहीं दिया, तो इधर ही क्वेश्चन खत्म हो गया. बच्चों 8 एंट्री 8 मिनट, थोड़ा कम बोल दिया शायद मैंने, लेकिन चलो 10-15 मिनट 16 मिनट, बट 8 मार्क्स कन्फर्म, आधा मार्क्स पे नहीं जाएगा. ओके, तो मैं हो रहा हूँ गायब. बच्चों क्वेश्चन आंसर देखो आपके सामने है, मैं आपको वापस समझा रहा हूँ कि हमने क्या क्या किया. देखो सबसे पहले अक्षत कंपनी लिमिटेड जो है उसका नाम लिखना है ऊपर इन द बुक्स ऑफ अक्षत कंपनी लिमिटेड. ठीक है, उन्होंने 10,000 शेयर इशू किए जिसमें लोगों के 15,000 एप्लीकेशन आ गए. ठीक है, तो जब पैसे एप्लीकेशन की बारी आई तो हमने एंट्री कर दी बैंक टू एप्लीकेशन 15,000 × 2. क्यों? क्योंकि 15,000 शेयर पे पैसे आने वाले हैं और 2 रुपए उन्होंने कॉल किया हुआ है एप्लीकेशन के नाम पे मंगवाए हैं. ठीक है, तो 15,000 × 2. देन ये जो एप्लीकेशन पे पैसे आए हुए है वो क्या किया हमने, 5,000 शेयर के पैसे तो वापस कर दिए 5,000 × 2 और बचे हुए शेयर के पैसे इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे डाल दिए. ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल, बच्चों कैपिटल बढ़ता है ना जब ओनर से पैसा मिलता है, तो इक्विटी शेयर्स, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, तो ओनर से पैसा मिला तो कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल के क्रेडिट में आ गया 10,000 शेयर × 2. नेक्स्ट इक्विटी शेयर, अब अलॉटमेंट की बारी, अलॉटमेंट पे 4 रुपए ड्यू किए पर शेयर. ठीक है, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. ओके, उस नाम से पैसे मंगवाए और कैपिटल को क्रेडिट, और जब पैसे आएंगे तो ये जो डेबिट था ना अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, उसी को क्रेडिट दे देना, अलॉटमेंट को क्रेडिट. ओके, और बैंक में पैसे आए बच्चों इसलिए डेबिट, पहले हमने कॉल किया अलॉटमेंट का, फिर अलॉटमेंट के पैसे आ गए. ठीक है, देन फर्स्ट कॉल का सेम बच्चों, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, मतलब हमने पैसे मंगवा लिए 10,000 शेयर × 3 रुपी. ओके, लेकिन और पैसे भी आ गए, तो पैसे की एंट्री बैंक टू फर्स्ट कॉल, बैंक में पैसे आ गए और क्यों आए, फर्स्ट कॉल की वजह से. ठीक है, तो वैल्यू इज 10,000 × 3 3 रुपी पर शेयर है ना, तो 30,000. ओके, ये आगे फर्स्ट कॉल के पैसे. अब हम बात करते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल की. बच्चों सेकंड एंड फाइनल कॉल में क्या किया, सेकंड एंड फाइनल कॉल इस नाम से पैसे मंगवाए 10,000 शेयर × 1, तो 10,000 शेयर्स और ऑफकोर्स 10,000 से कैपिटल बढ़ जाएगा, तो उसको मैंने क्रेडिट दे दिया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. लेकिन जब एक्चुअल में पैसे आने की बारी आई तो पैसे सिर्फ 1,000 शेयर्स के नहीं आए, जो कविता है ना वो नहीं दे सकी, मतलब 9,000 के शेयर्स पैसे आने वाले हैं. सो बैंक 9,000 × 1 इतने पैसे आए बैंक में टू सेकंड एंड फाइनल कॉल. तो सेकंड एंड फाइनल कॉल के 9,000 रुपए आए, जो एक्सपेक्टेड था 10,000 आने चाहिए, लेकिन कविता नाम की एक जो पर्सन है जो 1,000 शेयर्स के पैसे नहीं दे पाई, इसलिए बैंक में सिर्फ 9,000 आएंगे, 9,000 टू सेकंड एंड फाइनल कॉल 9,000. ओके, सेकंड एंड फाइनल कॉल खत्म हो गया किस्सा. 1,000 रुपीज अभी भी पेंडिंग है, लेकिन उसका क्या करना है वो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है. जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं देते, अगर क्वेश्चन में हमें दिया होता कि इसको ट्रांसफर कर दो एरियर्स में या फिर फॉरफिट कर लो, ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो हम उसके आगे कुछ नहीं करेंगे, बस यहीं पे हो जाएंगे स्टॉप. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का क्वेश्चन क्लियर होगा, और डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट यू कि एटलीस्ट इसके 2 से 3 एपिसोड अगर आप देखोगे, स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड सिर्फ, तो भी डेफिनेटली आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा गारंटेड. लेकिन रेगुलरली अटेंड करो, डोंट मिस एनी ऑफ दिस सेशन. नाउ See you in the next episode with the same and same, we have more energy. Bye bye, bachcho, keep studying.